नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं सिद्धि हिंदी विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। विषय कौन सा? गणित। ठीक है, अगले वीडियो में जैसे कि हमने पढ़ा था पहले की संख्या, बाद की संख्या और बीच की संख्या, उसी तरह हम धीरे धीरे अभ्यास में हम आगे बढ़ते हुए जाते हैं। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा? जोड़ और घटाव। तो सबसे पहले हमने स्टेप कौन सा लिया है? जोड़ का। अब तुम्हें तो ऐसा पता ही है कि भाई हम पढ़ के सर आए पहली दूसरी में कि जोड़ कैसे होती है, फिर भी आज मैं समझा देता हूँ। जोड़ यानी क्या होता है बेटा? किसी भी वस्तु को जोड़ना। जैसे कि यहाँ पे मेरे हाथ में पांच वस्तु है और इस हाथ में दो वस्तु है, तो कुल वस्तु कितनी हुई? तो सर गिन लेते, एक दो तीन चार पांच और एक और दो, यानी पांच और दो सात। आया बेटा समझ में? उसी तरह हम आगे अभ्यास करते हुए जाते हैं। चलो आ जाइए, ये कितना लिखा हुआ बच्चों? तीन। ठीक है, एक दो तीन, ये कितना लिखा हुआ है? दो। एक दो गिन लो, एक दो तीन चार पांच, ये कितना लिखा हुआ है सर? चार। एक दो तीन चार, ये कितना लिखा है? तो सर तीन। एक दो तीन, एक दो तीन चार पांच छह सात। चलो अब जैसा कि मैं, मुझे इतना पता है कि तुम बच्चों को जैसे पहली दूसरी में तो हमने जोड़ पड़ी हुई है, तो हमें ऐसे लाइन करके करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैंने पहली जोड़ थी इसलिए मैंने समझा दिया कि हम इस तरह से भी कर सकते हैं, पर जब तक हो सके तब तक हमें लाइन का उपयोग नहीं करना, हमें डायरेक्टली बोलना है। जैसे सर चार जोड़ तीन तो सर सात, पांच जोड़ पांच तो सर दस। आइए बेटा समझ में? उसी तरह आगे पढ़ते हुए जाओ। चार जोड़ तीन तो सर सात, छह जोड़ छह तो सर बारह। ठीक है, उसी तरह सात जोड़ दो तो सात आठ नौ, पांच जोड़ चार तो सर पांच, छह सात आठ नौ। उसी तरह आगे छह जोड़ तीन तो छह तो हमें दिमाग में रख ही देना, छह फिर उसके बाद तीन, यानी सात आठ नौ। वापस छह जोड़ पांच तो छह, सात आठ नौ दस ग्यारह, सात जोड़ एक तो सर आठ, आठ जोड़ जीरो। अब हमें इतना तो पता है कोई भी संख्या में हम जीरो प्लस करते हैं तो उत्तर उतना का उतना ही होता है। आया समझ में बच्चों? आठ जोड़ जीरो तो आठ, जीरो जोड़ जीरो जीरो, पांच जोड़ सात जोड़ पांच तो सर सात, आठ नौ दस ग्यारह बारह, लिख दीजिए बारह, नौ जोड़ जीरो, अभी जैसे कि मैंने बताया नौ का नौ, चार जोड़ तीन सर चार, पांच छ सात, आठ जोड़ एक सर नौ, आठ जोड़ पांच आठ, नौ दस ग्यारह बारह तेरह। ठीक है, अब सीधी सी एक बात बता देता हूं कि हमें कितनी बार ऐसा होता है कि हमें सूचना पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, कितने बच्चे सूचना पढ़ते ही नहीं है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि सर ये जोड़ के प्रश्न है? ठीक है, तो हमें चिन्ह से मालूम पड़ेगा कि ये प्लस वाला चिन्ह किसका होता है? जोड़ का होता है। ठीक है, आज के वीडियो में बेटा हमने क्या पढ़ा कि जोड़, आज मैंने सिंपल वाली जोड़ ली है, अब अगले वीडियो में मैं क्या करूंगा? हासिल वाली जोड़ है, तीन संख्या वाली जोड़ है। आए बेटा आज के लिए इतना ही, व्यवस्थित अपनी नोटबुक में दो बार करिएगा। आगे के वीडियो में जो हासिल वाली जोड़ ये सब होती है वो हम धीरे धीरे आगे प्रैक्टिस करते जाएंगे, पर आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।